हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग कुछ इस प्रकार का फ़ोटो एडिट करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरा समझ में आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने बैकग्राउंड को ओपन कर लेंगे, फिर क्रॉप वाले ऑप्शन पर जाएंगे और इसको साइड से हल्का सा क्रॉप कर लेंगे। फिर इफेक्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे और इसको HDR कर लेंगे, फिर ऊपर से मर्ज कर लेंगे। उसके बाद से ब्लर वाला ऑप्शन पर जाएंगे और इसको हल्का सा ब्लर कर लेंगे। इसके बाद से फिर ऐड फोटो पे जाएंगे और एक बैकग्राउंड को ओपन करेंगे जिसको ऊपर से क्रॉप कर लेंगे। और इसको बैकग्राउंड के नीचे लगा देंगे। लगा लेने के बाद ऊपर से कर देंगे डन। फिर चलते हैं ड्रॉ टूल में। अब ऐड फोटो पे चलेंगे और अपने मॉडल के फोटो को ऐड करेंगे जिसका बैकग्राउंड मैं पहले से इरेज कर चुका हूँ। अगर आप बैकग्राउंड इरेज करना नहीं जानते तो उसके लिए मैंने पहले से ही वीडियो बना रखा है, वो जाकर आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब लेयर वाला ऑप्शन पर जाएंगे और एक एम्प्टी लेयर बनाएंगे और उसको फ़ोटो को नीचे लेकर आएंगे ताकि हम लोग शेडो बना सकें और ब्रश के साइज़ को थोड़ा बढ़ा लेंगे। हार्डनेस को 0 रखेंगे, सेट कर लेंगे। फिर अपने फ़ोटो को नीचे पेंट करेंगे ताकि रियल लुक फ़ोटो में आ सके। पेंट कर लेने के बाद अब लेयर वाले ऑप्शन पे जाएंगे और नीचे से ऑपसिटी को हल्का सा कम कर लेंगे। फिर 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और फ़ोटो को मर्ज कर लेंगे। उसके बाद एक और एम्प्टी लेयर बनाएंगे, फिर ब्रश पे जाएंगे और इसके ऑपसिटी को बिल्कुल कम कर लेंगे। उसके बाद कलर को वाइट कर लेंगे, फिर फोटो को जूम करेंगे और उसको चेहरे पे पेंट करेंगे और नाक पे भी कर लेंगे, हाथ पे भी हल्का सा कर लेंगे। बस अब फोटो को ऊपर से कर लेंगे डन। इसके बाद चलते हैं ऐड फोटो में और कुछ PNG को ऐड कर लेंगे और इसके साइज को क्रॉप कर लेंगे, सिर्फ ऊपर वाला पार्ट रखेंगे और इसके ब्लेंडिंग मोड को मल्टीपल कर लेंगे और इसको आँखों के नीचे लगा देंगे। जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हल्का सा इरेज कर लेंगे ऊपर से भी, फिर डन कर लेते हैं। और नेक्स्ट वाले PNG को दूसरे वाले गाल पे लगाएंगे। अब इसके भी ब्लेंडिंग मोड को मल्टीपल कर लेंगे और ऑपस्टिक को भी हल्का सा कम कर लेंगे, फिर इसके साइज को भी हल्का सा एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेंगे। अब सही लग रहा है। अब नेक्स्ट वाले PNG पे जाएंगे और इसका भी ब्लेंडिंग मोड मल्टीपल कर लेंगे, फिर इसे हाथों पे अप्लाई करेंगे और एक्स्ट्रा पार्ट है उसे इरेज कर लेंगे और इसके ऑपसिटी को भी कम कर लेंगे, फिर ऊपर से कर लेंगे डन। उसके बाद फिर ऐड फोटो में जाएंगे और एक PNG को ऐड करेंगे, आई का PNG, इसे आँखों पे लगाएंगे और ऑपसिटी को कम कर लेंगे, फिर ऊपर से हल्का सा इरेज भी कर लेंगे। इरेज कर लेने के बाद डन कर देंगे। उसके बाद से इसका एक डुप्लीकेट भी बना लेंगे और उसको दूसरे आँखें पर लगा देंगे। फिर ऐड फोटो पे चलेंगे और एक फायर PNG को ऐड कर लेंगे, इसका भी ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन कर लेते हैं। उसके बाद से इफेक्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और इसको हल्का सा ब्लर कर लेंगे
और इसको कोने पे अप्लाई करेंगे, फिर इरेस पे जाके एक्स्ट्रा पार्ट जो चेहरे पे आ रहा है उसको इरेस कर लेंगे। उसके बाद से इसका डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे और इसको दूसरी साइड लगा देंगे। अब टेक्स्ट पे चलेंगे और अपना नाम टाइप कर लेंगे। नेम टाइप कर लेने के बाद इसके फ्रंट को भी चेंज कर लेंगे। पिक्सार्ट में काफ़ी सारे फ्रंट है, आपको जो अच्छा लगे वो ऐड कर सकते हैं। फिर इसके ब्लेंड मोड को हल्का सा ब्लेंड कर लेंगे। और इसमें हल्का सा स्ट्रोक भी डाल देंगे। अब कर देते हैं डन। फिर ऐड फोटो पे चलेंगे और एक फ्रंट को ऐड करेंगे। और इस इफेक्ट पे जाके कलर्स पे जाएंगे, फिर नेगेटिव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और फ्रंट का कलर वाइट हो जाएगा। और इसको भी ऊपर थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। अब ऐड फोटो पे चलेंगे और एक लास्ट पीएनजी को ऐड करेंगे। इसका ब्लेंडिंग मोड ऐड पे रख लेंगे। फिर जो एक्स्ट्रा पार्ट बॉडी पे उसे इरेस कर लेंगे हार्डनेस के 0 रखकर। इरेस कर लेने के बाद डन करते हैं और इसके ऑपेसिटी को भी कम कर लेंगे। फिर ऊपर से कर लेंगे डन और ड्रॉ टूल में जाकर फोटो को सेव कर लेंगे। फिर फोटो को लाइटरूम के अंदर ओपन करते हैं। लाइटरूम में आने के बाद सबसे पहले कलर वाले ऑप्शन पे चलेंगे और इसके एक्सपोजर को हल्का सा बढ़ाएंगे, कंट्रास्ट को माइनस में रखेंगे, हाइलाइट्स को भी माइनस में रखेंगे और शेडो को बढ़ा लेंगे। फिर वाइट को भी हल्का सा बढ़ा लेंगे और ब्लैक को माइनस में ही रखेंगे। फिर चलते हैं कर्व्ड वाले ऑप्शन पे और वाइट वाले को ज़्यादा नहीं छेड़ेंगे, आप अपने फ़ोटो के हिसाब से इसको छेड़छाड़ कर सकते हैं। और कर लेंगे डन। फिर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे चलेंगे और टेम्प को माइनस की तरफ रखेंगे और टिंट को प्लस की तरफ, वाइब्रेंस को भी बढ़ा लेंगे, सैचुरेशन को माइनस की तरफ कर लेंगे। फिर मिक्स वाले ऑप्शन पे चलेंगे और इसके सैचुरेशन को बढ़ाएंगे, लुमिनस को भी हल्का सा बढ़ा लेंगे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन पे चलेंगे और ह्यू को प्लस के साइड रखेंगे, फिर सैचुरेशन को भी प्लस के साइड ही रखेंगे, लुमिनस को बढ़ा लेंगे ताकि चेहरे पर लाइट आ सके। और नेक्स्ट ऑप्शन पे चलेंगे और इसके सैचुरेशन को माइनस की तरफ रख लेंगे। फिर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे चलेंगे और इसको भी प्लस की तरफ कर लेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन इसको 100 कर लेंगे। अब ब्लू वाले ऑप्शन पे चलेंगे और इसको माइनस की तरफ लग लेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलेंगे, इसको भी हल्का सा प्लस करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हल्का सा प्लस करेंगे और डन कर लेंगे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। अब स्प्लिट टून पे चलेंगे और इसके हाईलाइट को येलो के साइड रखेंगे और शेडो को ब्लू के पास रखेंगे। फिर बैलेंस को माइनस कर लेंगे और डन कर लेंगे। और टेक्सचर को यहाँ से अब बढ़ा लेंगे, क्लियरिटी को भी बढ़ा लेंगे और डिजिट को भी हल्का सा बढ़ाएंगे और बिगनेट को भी हल्का सा कम करेंगे, ज़्यादा नहीं। फिर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे चलते हैं और शार्पनेस को बढ़ा लेंगे
अब लाइट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और ब्लैक को हल्का सा कम कर लेंगे, शेडो को हल्का सा भी बढ़ा लेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो आप जानते हैं क्या करना है, और आपका कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।